नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सनील कुमार और आप देख रहे हैं बी डेफिनेट। तो दोस्तों, अगर आप लोग गर्मियों में या उसके बाद चेन्नई या पौंडिचेरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडिया से चेन्नई जा रहे हैं तो चेन्नई जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं या आप फ्लाइट ले सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। मेरी राय में आप फ्लाइट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आपका उससे दो दिन या ढाई दिन एक तरफ से बच जाएगा। एनीवेज, ये आपने ये इंडिविजुअल कॉल है। चेन्नई जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका सामना होगा उमस वाली गर्मी से, आपको उसको टैकल करना है। हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। देखिए, चेन्नई में घूमने के लिए कई जगह है, चेन्नई के अंदर भी और चेन्नई के आसपास भी। चेन्नई के सिटी के अंदर आप सबसे पहले मरीना बीच जा सकते हैं, थोड़ा सा क्राउडेड है लेकिन क्या करना, जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आप बाजू में ही एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है, चेन्नई सुपर किंग्स वाला, वहाँ भी घूम सकते हैं। उसके बगल में एक टी नगर मार्केट है, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाएँ। काफ़ी इकोनॉमिकल है और काफ़ी वर्सटाइल ये मार्केट है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ साड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइएगा। चेन्नई के आसपास में आप प्लान करना चाहें तो आप तिरुपति बालाजी भी जा सकते हैं। हाँ, करीब 3-3.5 घंटे का रन है चेन्नई से, आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इस अगले दिन आप महाबलीपुरम और कांचीपुरम भी जा सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं। और हाँ, चेन्नई में आप फिल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं पौंडिचेरी की। देखिए, चेन्नई से पौंडिचेरी की जो दूरी है वो 2.5-3 घंटे की दूरी है, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। आपको रास्ते में कई जगह पे मन करेगा कि गाड़ी रोक के फ़ोटोशूट कराया जाए, काफ़ी इन्जॉय करेंगे उस जर्नी को आप। जब आप पौंडिचेरी पहुँचेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको रॉक बीच मिलेगा, काफ़ी क्राउडेड है, लेकिन मेरी एडवाइस माने तो आप सेरेनिटी बीच जाएँ, ज़रूर जाएँ। वहाँ पर लोगों को कम मालूम है उसके बारे में, और आपको आइसोलेशन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम आप इन्जॉय कर पाएंगे। दूसरा, वहाँ पे रॉक बीच के बाजू से ही मॉल रोड है, आप मॉल रोड घूम सकते हैं। वॉर मेमोरियल है, अरविंदो आश्रम है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप एक पोर्चुगीज जो बिल्डिंग्स हैं आप उनको देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक करिए। इसी तरीके से मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।